नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक एंड मोटर्स की आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम हैं फिर से अरविंद ह्युंडई आगरा में i10 NIOS के रिव्यू के लिए। कुछ चेंजेस के साथ जो i10 है वो फिर से लॉन्च की गई है। कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। सबसे बड़ा चेंज है वो इंजन का है। BS6 को फॉलो करता हुआ, BS6 नॉर्म्स को फॉलो करता हुआ इंजन इसमें डाला गया है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल कंटिन्यू किया गया है। तो बात कर लेते हैं पहले इसकी डायमेंशंस की। डायमेंशंस में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि लेंथ 3805 mm की है, विथ है इसकी 1680, हाइट है 1520 और व्हील बेस 2450 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अभी क्लेरिफाई नहीं हो पाया है। 37 लीटर का टैंक है। इसके अलावा ABS और EBD इसमें आपको मिलेगा और 2 एयरबैग का ऑप्शन है। साथ में जो डीजल इंजन है वो कंटिन्यू है, 1186 cc का, 74 BHP की पावर और 190 Nm के टॉर्क के साथ 26.2 km प्रति लीटर का माइलेज। इसी के साथ जो पेट्रोल इंजन है वो 1197 cc का 4 सिलेंडर इंजन है, 81 BHP की पावर, 114 Nm का टॉर्क, 20.5 km प्रति लीटर की माइलेज के साथ। अब इसी के साथ आगे बात करें कॉस्मेटिक चेंजेस की, तो जो हेडलैम्प्स हैं वो अब इसमें मिलेंगे आपको प्रोजेक्टर, हालांकि ये टॉप मॉडल्स में हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ। नीचे आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स भी मिलेंगे ब्लैक इंसर्ट्स के बीच में। साथ में ग्रिल की मैं बात करूं तो ग्रिल इस बार इसमें आपको क्रोम नहीं दिया गया है, प्लास्टिक में है, ग्रेश कलर है शाइनी, और उसके ऊपर ह्युंडई का लोगो वरना जैसा थोड़ा सा लुक मेरे को इसमें फील हो रहा है। ऊपर आपको ब्लैक कलर की रूफ रेल्स मिलती हैं। इसमें डुअल टोन का भी ऑप्शन है। 5 से 7 लाख के बीच की प्राइस रेंज में आती है। अगर मैं पहियों की बात करूं तो बेस के वेरिएंट में आपको स्टील रिम्स मिलेंगी 14 इंचेस के, और बीच के वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे अलॉय व्हील्स 15 इंच के, और टॉप वेरिएंट में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। यहां स्क्रीन पर कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको दिख रही होंगी इंजन के रिगार्डिंग, व्हील्स के रिगार्डिंग, जो कि ह्युंडई ने यहाँ पर पेस्ट की हुई हैं गाड़ी के बगल में। इसी के साथ बाकी ओवरव्यू की बात करूं तो इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर जो हैं वो ORVM पर इंटीग्रेटेड किए हुए हैं। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो हैं लेकिन फोल्डेबल नहीं है। क्रोम इंसर्ट में आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे लेकिन को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। ग्लास एरिया ब्लैक क्लैडिंग के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ में सी पिलर पर ये ग्रैंड i10 की जो बैजिंग है वो काफ़ी प्रीमियम फील दे रही है गाड़ी को। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना इसमें मिलेगा जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको मिलता है फ्यूल लिड एज यूजुअल। इसी के साथ पीछे की तरफ हम बात करें तो आपको टेल लैंप्स जो हैं वो नॉर्मल मिलने वाले हैं, यहाँ LED का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके साथ रियर डिफॉगर और रियर वाइपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और इसी के साथ ऊपर स्पॉयलर और ब्रेक लैंप, यहाँ पर NIOS का लोगो, ह्युंडई का लोगो, और नीचे यहाँ पर कैमरा मिलेगा आपको ह्युंडई के लोगो के जस्ट नीचे। इसके अलावा नीचे आपको क्रोम की एक लाइनिंग मिलेगी टेल गेट पर, फ्रंट में नहीं दी है, टेल में दे दी है। नीचे 2 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे। एस्ट्रा वेरिएंट है, टॉप मॉडल है तो बैजिंग है यहाँ पर। इसी के साथ अगर हम इस साइड का ओवरव्यू लें तो काफ़ी अच्छा एक फील दे रही है गाड़ी, कुछ नया सा लुक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, अगर अचानक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नया नहीं है, पुरानी ह्युंडई i10 से मैच कर रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब ये हुआ गाड़ी का ओवरव्यू। इसके बाद हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट सेंसर और फिजिकल की के लिए भी यहाँ पर जगह दी गई है। तो फिलहाल गाड़ी के अंदर चलने की हम तैयारी कर रहे हैं।
एक बार दूर से आप ये लुक ले सकते हैं गाड़ी का। काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रही है दिखने में, कॉम्पैक्ट सी लग रही है दिखने में, और काफ़ी अच्छा फील दे रही है अगर नॉर्मली देखा जाए तो। इसी के साथ अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। यह है गाड़ी की की, इसमें फिज़िकल की भी है जो यूजली ह्युंडई देता है, अलग हो जाती है। तो फिलहाल हम अंदर चल रहे हैं। तो डोर को खोलते ही पहले मैं डोर स्टोरेज की बात कर लेता हूं। यहां पर ड्यूअल टोन में आपको इंटीरियर मिलेगा डोर पर भी, लेकिन डोर पर कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं है। यहाँ पर स्पीकर दिया गया है, इसी के साथ यहाँ पर कंट्रोल्स हैं पावर विंडोज़ के और ORVMs के, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं लेकिन फोल्डेबल नहीं है। साथ में यहाँ जो जगह दी गई है बोतल होल्डर, उसमें आप 1 लीटर की बोतल आराम से फिट कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी नहीं आएगी और वैसे भी उससे बड़ी कोई फिट नहीं करेगा। सीट मैनुअली हाइट एडजस्टेबल है यहाँ पर सीट की। तो ये है स्टार्ट स्टॉप स्विच, और इसके साथ ही जो एसी का वेंट है वो काफ़ी अच्छा उसमें मैकेनिज्म दिया है। ये कंट्रोल हो जाते हैं बीच में से, साइड वाले दोनों ही, लेकिन बीच वाले वेंट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं। बाकी डुअल टोन में इंटीरियर है पूरा। इसके अलावा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें आपको एक स्क्रीन मिलती है, आई थिंक 6 इंचेस की, मेरे को अभी स्पेसिफाई नहीं है कितनी है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी का भी ऑप्शन है इसमें। वायरलेस चार्जर भी आपको यहाँ मिल जाता है इसी के साथ। बाकी के ये इनपुट्स हैं, और नॉर्मल ब्रेक मैनुअल है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन कार है। इसी के साथ हैंड ब्रेक और कप होल्डर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आर्म रेस्ट का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी जो ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की सीट्स हैं उसमें हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एनालॉग और डिजिटल का मिक्स है, स्पीडो और आरपीएम मीटर। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर, 4 स्पोक भी कह सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं रियर व्यू मिरर की बात करूँ तो ये मैनुअल है, इसमें आपको यहाँ ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, शायद बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना बढ़ जाए इस वजह से इसका ध्यान रखा गया है। ड्राइवर साइड सनवाइज़र पर आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन मिलता है, और इसी के साथ यहाँ पर वॉइस असिस्ट के लिए माइक दिया गया है, क्योंकि आई ब्लू टेक्नोलॉजी का इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर कैबिन लाइट बीच में दी गई है। सन वाइज़र जो है को ड्राइवर साइड, उस पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है। इससे मैं आगे चलूं तो हम बात करते हैं ग्लव बॉक्स साइड की। उस पर ऊपर थोड़ी सी जगह आपको मिलती है, यहाँ पर लाइट की थोड़ी कमी है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो थोड़ी सी जगह उसके ऊपर मिलती है, लेकिन अगर ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो इसमें एक चीज़ दी है जो कि आजकल काफ़ी फेमस है कि ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। तो यहाँ पर एसी का एक वेंट खुलता है, जिससे थोड़ा जब गाड़ी चलेगी एसी चलेगा तो सामान ठंडा रहेगा इसमें जो भी होगा। इसके अलावा ये था केविन। अब चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे देखते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस कैसा है। तो ये मैंने डोर खोला फ़िलहाल, अभी अंदर जाता हूँ। तो अंदर जो है यहाँ पर बैक रेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल दिए हैं, हेड रेस्ट जो हैं, लेकिन आगे की सीटों में एडजस्टेबल नहीं दिए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन बस दिया है, शायद आगे का उन्होंने बनाया उसी हिसाब से है। यहाँ बलून वगैरह काफ़ी पड़े हैं, अभी लॉन्चिंग हुई है एक्चुअली। और इसी के साथ यहाँ मैगज़ीन वगैरह रखने के लिए भी आपको सीट में जगह मिलेगी पीछे। इसके अलावा मैं अगर हेडरूम की बात करूं तो काफ़ी अच्छा हेडरूम है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा हाइट का इंसान भी अच्छी तरीके से बैठ सकता है। इसी के साथ साथ मैं आगे कंफर्टेबल था, तो अभी जो मैं अपना नी रूम देख पा रहा हूं तो काफ़ी अच्छा है। थाई सपोर्ट भी डिसेंट ही लगा, लगभग मुझे पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। रियर एसी वेंट भी यहाँ आपको मिलते हैं, और फ्लोर जो है वो उसमें बम्प नहीं है, तो बीच में जो बैठेगा उसको भी काफ़ी आसानी रहने वाली है। हालांकि पीछे मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं दिया गया है, पीछे ये पार्सल ट्रे। और अभी हम चलते हैं, आई थिंक अंदर कैबिन का हो गया है पूरी तरीके से हमने देख लिया है, अभी चलते हैं पीछे की तरफ और बूट देखते हैं इसका।
बूट हालांकि अभी इसका स्पेसिफाई नहीं किया है, Hyundai की साइट पर भी नहीं लिखा हुआ है कि कितने लीटर का बूट है, ये यहाँ से हमने किया बूट ओपन और ठीक है, जगह डिसेंट है, बहुत ज़्यादा मैं ऐसे नहीं कहूँगा लेकिन ठीक है। ये कुछ गाड़ी के टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये बूट लैंप, और इसी के साथ नीचे आपको जो है वो स्पेयर व्हील मिलता है स्टील रिम के साथ, यहाँ पर आपको अलॉय व्हील नहीं है। तो अभी करते हैं बूट क्लोज। तो ये था गाड़ी का ओवरव्यू। तो आपको कैसा लगा ये ओवरव्यू, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टैग सेशन भी हमने इस जो चैनल पर जोड़ दिया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे आपको टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल की न्यूज़ मिलती रहें। तो बाकी आपकी क्या राय है, सवाल है, सुझाव है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी कमेंट शाला बंद है क्योंकि इतने ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कितना ज़्यादा काम भी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जल्द ही कमेंट शाला शुरू होगी। फ़िलहाल मैं सबके सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे रहा हूँ। और इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। नमस्कार, धन्यवाद।